मिर्जापुर में महिलाओं को माया जाल में फंसा कर लूट करने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिलाओं को माया जाल में फंसा कर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4.5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात व चोरी में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। दोनों आरोपी मिर्जापुर जनपद के ही रहने वाले हैं। जनपद के ड्रमंडगंज थाना पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्यवाही में लूटपाट करने वाले दो आरोपियों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना ड्रमंडगंज में 12 फरवरी को एक पीड़ित ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दो चोरों को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ व उनके निशानदेही पर चोरी किए गए लगभग 4.5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण के अलावा 12,000 रुपए नगद बरामद किया गया। एसपी सिटी नितेश सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक थाना कटरा कोतवाली तथा दूसरा थाना पडरी का रहने वाला है। ये शातिर चोर घर में अकेली रह रही महिलाओं को अपने माया जाल में फंसाते थे। उनके घरों की रैकी कर चोरी की घटना को अंजाम देकर लूट का माल आधा आधा बांट लेते थे। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। संवाददाता मिर्जापुर से महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। चोर गैंग का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये हमारा जो थाना अध्यक्ष ड्रमनगंज और एसओजी प्रभारी संजय सिंह और सर्विलांस के मानवेंद्र, एक जॉइंट एफर्ट हुआ हमारी तीनों लोगों की टीम द्वारा, पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। इसमें कल इन दो चोरों को इन्होंने पकड़ा है और इन्होंने काफ़ी घटनाएं कर रही हैं। तीन घटनाओं का इनके खुलासा हुआ है। ये जो महिलाओं को अकेला देख के उनको ये माया जाल में फंसा के कि घर से ये सामान ले आओ और घर में देखते हुए कि इनका सामान कहाँ पर रखा हुआ है, आभूषण और नकदी, उसको ये अटेम्प्ट करते थे और चोरी करके ले जाके भाग जाते थे। तो ये तीन घटनाएं इनकी खुली हैं और एक घटना 14/23 की भी है जो करीब 8-9 महीने पुरानी भी घटना है। तो इसका कोई पुराना इतिहास भी रहा है, लोगों का ऐसी घटनाएं और कहीं भी की है? इसमें पुराना इतिहास इस तरीके की घटनाओं का नहीं रहा, लेकिन इसमें एक अभियुक्त है राजकुमार, इस पर दो पुराने मुकदमे हैं, छेड़खानी के और दफा 60 के जो मुकदमे हैं। ये अभियुक्त यहाँ शहर कोतवाली और पडरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे पुलिस द्वारा करीब 4.5 लाख रुपये का जो आभूषण है वो बरामद किया गया है उन सारी घटनाओं का, और उनके जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी पुलिस द्वारा इनसे बरामद की गई है।